हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं अपने यूट्यूब करियर के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरी पहली पेमेंट कब आई थी यूट्यूब से और मैंने कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करे थे यूट्यूब पे, सबसे पहला जो 1000 सब्सक्राइबर था और पहला वीडियो जो है वो मैंने कब डाला था यूट्यूब पे, मैं क्यों आया, वीडियोस क्यों डालने लगा, क्यों एक यूट्यूब क्रिएटर मैं बन गया फाइनली, जिसके कारण आज हम 65,000 से ऊपर हैं, साथ में हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरे को आपका सपोर्ट प्यार सब कुछ मिलता है और उसके कारण यहाँ पे फाइनली। सो गाइज, ये वीडियो बनाने का दो मकसद है मेरा। एक तो आप लोग खुद चाहते हैं, आप लोगों में से मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है इस वीडियो बनाने को, और दूसरा ये वीडियो शायद जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हैं जिनके सब्सक्राइबर्स कम हैं, जो अभी सब्सक्राइबर्स 10,000 20,000 30,000 ऐसे पे हैं और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अगर यूट्यूब करियर में या फिर उनके व्यूज़ कम आते हैं या फिर जो भी, तो उनके लिए शायद ये मोटिवेशनल भी हो सकता है। सो गाइज, सबसे पहले जो बात करता हूँ मैं वो करता हूँ मेरी पहली वीडियो की। तो गाइज, मेरा जो चैनल है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैंने क्रिएट करा था 2010 में, जी हाँ 2010 में मैंने चैनल क्रिएट किया था, उसके बाद क्रिएट करके इस चैनल को छोड़ दिया था। ठीक 5 साल के बाद मुझे YouTube के चैनल के फीचर्स, मतलब कि चैनल पे क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ पता चला जब मैं कॉलेज टाइम में था। तो 2015 की बात है, तब मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस पोस्ट कर देते हैं बना के। मैंने कभी भी उसके पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा ट्राई करते हैं। उस टाइम मेरे पास सोनी का जो है छोटा सा एक कैमरा था, वो जो छोटा सा सोनी का एक कैमरा आता है डिजिटल कैमरा, वो मेरे पास था। तो सोनी के उस कैमरे से मैंने एक वीडियो शूट करी अपने फ़ोन पे, और वो जो वीडियो था वो था हाउ टू चेंज मैक एड्रेस ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन। ये वीडियो थी, एंड्रॉयड फ़ोन जो था वो रूटेड था। ये वीडियो हालांकि अब डिलीट कर दी गई है, मैंने डिलीट कर दिया इस अपने यूट्यूब से, मेरी पहली वीडियो थी। तो अगर आप में से किसी के पास वो वीडियो है तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना मेरे मेल आईडी पे। सो वो मेरी पहली वीडियो थी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली थी, सर्वर कैसे बनाते, FTP सर्वर कैसे बनाते, विंडोज 7 8 इन सब में। सो ये दो वीडियोस जो है मैंने डाल दी यूट्यूब पे अपने, और उसके बाद मैंने 2015 में ये पहली वीडियो डाली थी। दोनों डाल के उसके बाद मैं शांत हो गया, मैं छोड़ चुका, इसको भूल चुका था, मतलब कि मैंने ये दो वीडियो डाल दी, उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने ये वीडियोस भी डाली हैं और चैनल भी है और यूट्यूब पे कुछ आगे भी करना है, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने दो वीडियो डाली और छोड़ दी। ठीक 1 साल के बाद 2016 में जुलाई अगस्त के टाइम पे 2016 में, ठीक 1 साल के बाद लगभग क्या हुआ कि मेरे को अचानक से ध्यान आया यूट्यूब का, और मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों के वीडियोस जैसे आते थे, तो मैं सोचता था कि यार ये वीडियोस डालते हैं इनका मतलब क्या, इनको प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअली मुझे उस टाइम में नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने से लोगों को फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, आप अपनी नॉलेज दूसरों को शेयर करते हो, दूसरों को सिखाने का मौका मिलता है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई कला है, आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है, आप दूसरों को जो सिखा सकते हो, तो वो आपको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो मैंने इसको देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा कि मैंने भी तो एक वीडियो डाली थी, चलो देखते हैं। तो फिर मैंने 1 साल के बाद मैंने अपना चैनल ओपन करा था ये देखने के लिए कि जो मैंने दो वीडियोज़ डाले थे उनका क्या हुआ। और गाइज, उस टाइम में मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने जब देखा कि मेरा जो एक वीडियो है हाउ टू चेंज मैक एड्रेस, उस पर 1 लाख से भी ऊपर व्यूज चले गए थे। वो पता नहीं कैसे, मतलब कि 1 साल में वो वायरल होके थोड़ा बहुत पॉपुलर वीडियो हो गया था, उस पर व्यूज चले गए थे, और मेरे FTP जो वीडियो थी, FTP सर्वर वाली, वो भी अच्छे खासे व्यूज़ गेन कर चुकी थी। और उस दो वीडियो से मेरे उस टाइम पे लगभग 900 सब्सक्राइबर्स आ चुके थे। गाइस, दोनों वीडियो इंग्लिश में थी उस टाइम पे, और उस टाइम में मैं काफ़ी वीडियोज़ इंग्लिश में भी डालता था, इंग्लिश कुछ खास नहीं था फिर भी मैं इंग्लिश में वीडियोज़ डालता था। तो जो सब्सक्राइबर्स थे वो फॉरेन के भी थे, इन द सेंस कि फॉरेनर्स भी थे सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइब कर चुके थे मेरे चैनल को। तो 900 सब्सक्राइबर्स जो है वो मुझे मिले थे उस टाइम में उस दो वीडियो के कारण। जब मैंने वापस से 2016 में चैनल को ओपन करा तो देखा 900 सब्सक्राइबर्स हैं और इतने व्यूज हैं, तो मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन, इनसाइडर मोटिवेशन जिसे बोल सकते हो आप, वो अपने आप आ गई, एक मोटिवेशन अंदर से आ गई कि और वीडियोस बनाता हूँ और भी व्यूज़ आएंगे, हो सकता है और भी लाखों लाख व्यूज़ आ जाए, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाए। बट क्या मिली, तो निराशा बस। उस टाइम में ऐसा मैं जोश आया था, मैंने वीडियोस फिर से डालनी 2016 में शुरू कर दी थी सितंबर के आसपास में, वीडियोस डाली, व्यूज़ नहीं आते थे, और 900 से 1000 सब्सक्राइबर्स तक जाने में मुझे पूरे 1 महीने या उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग चुका था। जी हाँ गाइस, यहाँ पे 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग चुका था। आपको मैं पेमेंट के बारे में बताऊँगा कि पेमेंट मेरी कब आई थी पहली। तो गाइस, यहाँ पे मतलब कि 1 महीने जब लगे 100 सब्सक्राइबर्स गेन करने में, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा मतलब कि एक डिस्करेजमेंट टाइप हुई कि इतना
टाइम लगता है अगर यूट्यूब को यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स गेन करने में और वीडियोज़ पे व्यूज़ लेने में, तो यार ये क्या है यार, मैं भी थोड़ा सा डाउन हो गया। जैसे कि अभी नए नए क्रिएटर्स हो जाते हैं या फिर आप हो गए होंगे या होते होंगे, सो गाइस उस टाइम में मेरे को ऐसा लगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अब क्या करना है यार, छोड़ो अब इतना टाइम लग रहा है यार, ऐसे तो फिर ज़िंदगी कटती रह जाएगी। फिर उसके बाद गाइस मैंने 2-3 दिन का गैप दिया था, उसके बाद फिर से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना वीडियोस जो हैं वो डालते हैं, जस्ट मेरे को जो आता है वो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ सिखाने का, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ आएंगे अपने आप, आना हो तो आ जाएंगे, एक ट्राई और करते हैं। उसके बाद गाइज मैंने रेगुलर वीडियोस डालना शुरू किए और मैं सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ की टेंशन मैंने छोड़ दी। उस टाइम में आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स लगभग हो चुके थे कुछ टाइम बाद, उसके बाद भी व्यूज़ जो थे वो आते थे मेरे 40-50-100 से ज़्यादा व्यूज़ शायद नहीं जाते थे, 100 व्यूज़ रहते थे और उससे ज़्यादा अगर चला गया तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। इवन 100 व्यूज़ भी आते थे तो मैं बहुत खुश होता था कि आज वीडियो पे 100 व्यूज़ है, यानी कि 3 figure है, वरना व्यूज़ जो है 2 figures में रह जाते थे, मतलब कि 100 से कम है। सो फिर भी मैं वीडियोज़ डालता रहता था, रेगुलरिटी मैंने रखी वीडियोज़ डालने में। मैं कभी भी किसी के पास नहीं गया प्रमोशन के लिए, मैं किसी के पास नहीं गया कि भाई मेरे को वो ये कर दो वो कर दो, मैं अपना वीडियोज़ पोस्ट करता रहा। ये होते होते क्या हुआ कि टाइम आया नवंबर का मंथ आया और मैंने अपना एडसेंस वगैरह सब कुछ अप्रूव कर लिया था, सब कुछ अप्रूवल हो चुका था, पिन वेरीफाइड वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो बात आई नवंबर की, तो नवंबर में मैंने एडसेंस चेक करा, तो एडसेंस में मेरे जो है $100 का जो मार्क्स होता है, थ्रेशोल्ड होता है, वो पूरा हो चुका था। और मतलब मेरे को $100 का पेमेंट आने वाला था, तो सबसे पहला जो पेमेंट आया था वो आया था $123 का नवंबर मंथ में, नवंबर 2016 में यूट्यूब के तरफ से। और 123 का जो पेमेंट आया मेरे पास, यकीन मानिए आप कोई भी काम जब करते हैं, कोई भी काम आप कोई भी मेहनत करते हैं, कुछ भी आप हार्डवर्क करते हैं, और अगर आपको उसका पे ऑफ मिलता है, अगर आपको उसका फल या रिजल्ट या कुछ अच्छा कुछ ऐसा मिलता है या फिर उसका अमाउंट कुछ वैसा मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन मिलती है, ये फैक्ट है। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक कि आप एक समाज से भी ना आए जिसको कि इन सब से कोई मतलब नहीं है। सो गाइस यहाँ पे जैसी पेमेंट आई, मेरी एक मोटिवेशन अंदर से और ज़्यादा, जो पहले से ऑलरेडी चली आ रही थी, वो अगर कोई मोटिवेशन मेरी थी ऐसे चली आ रही थी, वो एकदम से ऐसे हाइट पे आ गई और बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैंने सोचा कि अब तो वीडियोज़ डालने ही डालने हैं। मैं पहले बीच में गैप भी दे रहा था, तो उसके बाद मैं अब रेगुलर वीडियोज़ डालने शुरू कर दिए थे, लगभग कि हर दिन लगभग, या फिर एक दिन गैप दे के मैक्सिमम। सो यहाँ वीडियोज़ डालने लगे तो धीरे धीरे व्यूज़ भी मेरे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, धीरे धीरे कमेंट्स भी आने लगे लोगों। पहले कमेंट्स एक भी नहीं आते थे, 100 व्यूज़ पे एक या दो कमेंट होता था, बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर्स थे वो मेरे, आज भी उनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। सो वैसे व्यूज़ आने थे और वैसे कमेंट आते थे, फिर भी मैं रेगुलर रहा और रेगुलरिटी मैं रखा और आराम से जो है मेरे व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 2017 के जुलाई अगस्त सितंबर में, यानी कि लगभग एक साल के बाद थोड़े सही हुए मेरे व्यूज़ और कमेंट्स वगैरह ये सब। सो गाइस यहाँ से मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि कोई भी चीज़, आप कोई भी काम करो, कोई भी आप जिस काम में लगो, तो उस काम को पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से और पूरे जी जान लगा के करो, और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको उसका रिजल्ट 110% मिलेगा। बट अगर आप पहले ही रिजल्ट की सोच लोगे कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, तो वो काम आप ना ही तो ख़त्म कर पाओगे और ना ही उसको सही से शुरू कर पाओगे। सो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया कि मेरा पेमेंट कब आया था, नवंबर 2016 में फर्स्ट पेमेंट आई थी, और उसके बाद गाइज तो दो दो महीने पे पेमेंट आती थी, यानी कि नवंबर में आ गई, फिर दिसंबर जनवरी छोड़ के, फिर फरवरी में आई, फिर मार्च अप्रैल छोड़ के, फिर मई में आया, ऐसे कुछ आ रहा था। सो यहाँ पे गाइज अब यूट्यूब मैंने जो है शुरुआत, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कोई किसी से इंस्पायर हुए या कुछ, उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि क्या यूट्यूब चैनल होता है, क्या यूट्यूब से क्या किस तरीके से होता है। मैं किसी को सब्सक्राइब करके तक नहीं रखा था, मेरे सब्सक्रिप्शन में भी कोई नहीं था, ना ही कोई टेक यूट्यूबर, ना ही कोई कॉमेडी, ना ही कोई ऐसे, मतलब कि कुछ भी नहीं था। बस मैं यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखता था, ऐसे खोला कोई वीडियो आ गई देख लिया, मैं सोचता था ये लोग क्यों डालते हैं वीडियो, बस इसलिए। तो हालांकि कोई इंस्पिरेशन ऐसा कुछ खास नहीं था स्टार्टिंग में, फिर बाद में फिर मेरे को कुछ यूट्यूबर्स जो है उनको देख के ऐसा लगा कि हाँ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ किया जा सकता है, कुछ ना कुछ अपनी पहचान बनाई जा सकती है। अपनी पहचान जब
आप बनाने चलते हो, आप सोचते हो कि मेरे को कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो गाइस हर तरह का मीडियम होता है, हर तरह का माध्यम होता है। आप कौन सा माध्यम मीडियम चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो जब भी आप चूज़ करो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करो कि आप किस चीज़ में सक्षम हो, किस चीज़ को कर सकते हो, किस चीज़ को आप पूरे जोर लगा के कर सकते हो, आप उसमें करो। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, मैं सोचता था कि मैंने पहले भी सेमिनार और वर्कशॉप्स वगैरह लिए हुए थे कॉलेज के टाइम में, तो मैं सोचता था मैं किसी को भी सामने आके खड़े होके किसी के सामने भी बक सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा YouTube से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता है मेरे बकने का, जहाँ सिर्फ आपको सुनना है और मैं बोलता रहूँगा, मेरे को बीच में ना कोई टोकने वाला है ना कोई कुछ, मैं सीधा बोलता रहूँगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जाती रहेगी। सो गाइस इसलिए मैंने YouTube का करियर स्टार्ट कर दिया, YouTube को लगातार वीडियोज़ डालना रखा और आज तक वीडियोज़ डाल रहा हूँ। 2 साल हो चुके हैं, फिर भी अपन 65,000 पे हैं। 2 साल में आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, हालांकि उनके वीडियोस काफ़ी वीडियो जो है वो ट्रेंड कर जाते हैं, वायरल हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ अपने साथ फिलहाल तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं जहाँ पे हूँ जिस तरह से बहुत अच्छा है, इतना सपोर्ट प्यार मिल रहा है काफ़ी है इतना, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा मुझे पता है, धीरे धीरे अपन भी ग्रो कर ही रहे हैं और करेंगे भी। सो गाइज इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना और साथ में चलना, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं वो सब ट्राई करता हूँ आपके सामने डिलीवर करने का, आपको बताने का। जो मुझे नहीं है ज्ञान वो मैं ट्राई करता हूँ ज्ञान लेके, यानी कि पढ़ के समझ के चीज़ों को, इंटरनेट से उसकी सोर्स कहीं कहीं से इकट्ठा करके, उसके बारे में पढ़ के, उसके बारे में स्टडी करके, रिसर्च करके आपके सामने लाने का, तो वो सब भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और गाइस ये थी पूरी यूट्यूब हिस्ट्री, और मेरे बारे में मैं कभी आपको बताऊँगा, कभी डिटेल में, कभी बाद में। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया है मैंने और इंटरेस्टिंग वीडियो हुई होगी, आपको थोड़ा मज़ा आया होगा ये सब जान के। सो गाइज कभी भी हिम्मत मत हारो, जो करना चाहते हो वो करो, जो अपनी मर्जी है वो करो, ना कि किसी की बात में आके, किसी की बात सुन के। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, घंटे को दबाना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।